इंडिया टाइम के सारे दर्शकों मेरी यानी चंदन नागपाल जी नमस्कार। अज असी तुहानू लैके आए हाँ बाबा साईं बाबा मंदिर, जो कि लंबे समय तो इत्थे एक ज्ञान का सागर बनया हुआ है, जिस ते आके लोगों मनोकामना पूरी होंगे। आओ इस आज मूर्ति स्थापना के दिवस से इतने जो संकीर्तन जा रहा है उस दे विच अते इतों दे की प्रोग्राम हो रहे हैं उन्होंने झलकां दिखा। जब जिंदा दिल है तो मांग मांग के पैसे देते थे, किसी किसी भक्त से तो दिन में चार चार पांच पांच बार पैसे मांगते थे, मांग मांग के। बाबा कैसे बोलते थे, ला तेरे पांच रुपए का उधार, पांच पैसे का उधार मुझ पे है, या दे मुझे। ऐसे बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। कई बार जैसे मेरे जैसा एक भक्त था तो पैसे देना तो चाहता, लेकिन उसके पास नहीं। तो बाबा ने एक लड़के से एक भक्त से मांगे कि पांच आने दे मुझे, कितने पांच आने। तो उसने कहा बाबा मेरे पास तो है नहीं, इकट्ठा करके दो। जितने लोग द्वारका में इतने गए सभी ने इकट्ठा करो, बाबा को पता था इसके पास है। पर बाबा ने उसने तरीके किए इकट्ठा करके बाबा को वो पांच आने दे दिए। फिर बाबा ने उसको बुलाया कि तेरे पास थे पैसे, जो तेरे दुख थे ना वो मैं तेरे लेना चाहता था, तुझमें ये दुख आने वाला था। रोने का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा के प्यारा वचनों का। बाप मंदिर में आके जब हम इस टॉपिक पे आते हैं सेवा मांगते, बाबा सेवा तो दो। सेवा किसी किसी को मिलती है, जिसको मिलती है वो भक्त बड़ा धन्य है। धन्य धन्य वह भक्त उसका मैं कभी देना नहीं दे सकता। मुझ में लीन वचन मन काया, मुझ में लीन वचन मन काया, धन्य धन्य वह भक्त धन्य, वो भक्त बड़े धन्य है जो मेरी शरण में आ जाए। हम सभी लोग आज इस धरा पे बैठे हैं, इस धरती पे बैठे हैं, बड़े धन्य हैं। नमः सतगुरु साईं नमः, नमः ओम साईं नमो नमः, जय साईं नमो नमः, जय साईं नमो नमः, सतगुरु साईं नमो नमः। मैं योगेश पुरी अज शिरडी साई मंदिर जी के मूर्ति स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामना शुभकामनाएं दिना हाँ। तो बहुत प्रसन्न हाँ कि जेडे अपने शहर के लोग इस सेवा विच लगे हुए ने, ये सदा लगे रहन, तो इदा ही साई बाबा की जय जयकार होंगी रहे। जय साई राम। ओम साई राम। साई मंदिर डिफेंस बंद में हर साल की तरह इस साल सालाना पर्व बाबा का मूर्ति स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े कलाकार अपने भजनों के माध्यम से आए हुए भक्तों को रसिक पान करवा रहे हैं। हम इस पावन पर्व पर सभी की मंगल कामना की बाबा से कृपा मांगते हैं कि हमारे सारे भारतवर्ष पर इस कोविड बीमारी में भी बाबा की कृपा बनी रहे और
हमारी प्रार्थना है सभी सरहंद वासियों से कि मंदिर में कम से कम आना जरूरी बनाएं, नियम बनाएं, ताकि सभी पर बाबा की ब्लेसिंग, बाबा का आशीर्वाद बरसता रहे और हम सब मिलकर तरक्की करते रहें। ऐसी मंगल कामना हमारी कमेटी की तरफ से है। बोलिए ओम साई राम। मैं हितेश का ही सरहंद शिरडी साई मनोकामना पूर्ति पीठ मंदिर का जनसंपर्क अधिकारी तौर पर काम कर रहे हैं। तो अज मूर्ति स्थापना दिवस से मैं सारी संगत को लख लख बधाई देना है। तो आई संगत को बहुत बहुत धन्यवाद करना। तो बाबा के आशीर्वाद मिलने की मैं पूरी कामना करना है कि जिन्हें भी भगत नतमस्तक हो गए उस सबू बाबा अपनी छत्र छाया रखेंगे। तो मैं अपने नागपाल जी का धन्यवाद करता है कि यह टाइम टू टाइम आके कवरिंग देंगे ने।